Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो रिव्यू और मैं हूं आपका दोस्त। हम आज रिव्यू क्या करने वाले हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिव्यू करने वाले हैं। बहुत से चैनल्स में आपको पेड रिव्यूज मिल जाते हैं यार, उसके चक्कर में आप फंस जाते हो। जैसे कि मैंने बहुत से पेड रिव्यूज देखा, उसके बाद मैंने ये कॉफी फ्लेयर मंगवाया था आईवेप से, तो ये बकवास निकला तो वेस्ट चलेगा। अभी मैंने एक पैक मंगाया फुल का, फुल एक पैक 6 फ्लेवर्स है इसमें। हम इसमें दो एक मिनिमम दो फ्लेवर्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले मैं पैक में जो भी निकला उसका रिव्यू बताता हूँ आपको। तो देखिए, वाटरमेलन रैंचर, तो ये फ्लेवर है। देखिए जैसे वाटरमेलन रैंचर फ्लेवर है ये, देखते हैं ये कैसा रहता है, कैसे टेस्ट करता है, कैसा। देखिए वेप यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, सिगरेट से ज्यादा बहुत बेनिफिशियल है। एक तो फ्लेवर भी आपको अच्छा मिल जाता है इसमें, और जो है आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा है। तो पहले मैं ये अपना यूज कर रहा हूँ 76 TC, जो आई वेप का ही मॉडल है, उसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो फ्लेवर खोलते हैं, देखते हैं कैसा फ्लेवर डालते हैं इसके अंदर, और देखते हैं कि ये कैसा लगता है, कैसा जेन्युइन मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। यहाँ पे ऐसा कुछ पेड नहीं है, ये खुद से परचेस किए हुए हैं चीजें। तो चल देखते हैं अपन इसमें जो है, मैं रिव्यू खातिर पहला फ्लेवर हमारा वाटरमेलन रैंचर, इसके बाद मैं डालता हूँ इसमें फ्लेवर। तो मैंने रिव्यू के लिए इतना फ्लेवर डाला है जो काफी है, क्योंकि मैं अभी इसका सिर्फ रिव्यू करने वाला हूँ, तो ज्यादा फ्लेवर नहीं था। आप 2 ml तक इसको भर सकते हैं, आपके इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए इसे मैं साइड रख देता हूँ। मैं ये आईवेप का जो मॉड यूज कर रहा हूँ, ये अच्छा लगा है मुझे। अब तक यूज करने में 20 दिन हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे होप कर रहा हूँ प्रॉब्लम ना आए। मेरे को सेट कर दिया वो 38 वॉट पे, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो देखते हैं इसका, मैं फर्स्ट इसका जो वेप करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम देखिए फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। फ्लेवर मतलब लग रहा है कि वर्थ है करके फ्लेवर, जो पहले के फ्लेवर जैसे कॉफी वगैरह आपको पसंद नहीं आएंगे, वाटरमेलन रैंचर ही अच्छा फ्लेवर लग रहा है। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कैसा कैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। ज्यादा इसमें मिंट वगैरह कुछ नहीं है, सिंपली वाटरमेलन की टैंगी टेस्ट है थोड़ी बहुत। ज्यादा मतलब पूरा मतलब फ्लेवर सिर्फ फ्लेवर्ड है ये पूरा, इसमें कुछ आएगा नहीं कि पूरा ही मतलब आपको इसमें वाटरमेलन पूरा वाटरमेलन खाना वैसा वैसा कुछ भी नहीं। वाटरमेलन रैंचर एक बहुत अच्छा फ्लेवर लगा मुझे। मैं इसको आपको 100 out of 80 जो है इसको रिकमेंडेशन करता हूँ, क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें। स्मूथ आ रहा है फॉग, और बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे फ्लेवर में, कि मतलब ऐसा टेस्ट जैसा बताया वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है। तो टेस्ट के इसमें आपको ये खरीदना चाहिए, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। थोड़ा स्वीटनेस भी है टेस्ट में, थोड़ा स्वीट है। अगर आपको स्वीट ज्यादा पसंद नहीं तो आप मत खरीदेगा, थोड़ा स्वीट है। वाटरमेलन टेस्ट है, स्वीट तो है, उसमें मिंट नहीं है, तो ये याद है इसमें मिंट नहीं है। वाटरमेलन रैंचर ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम और एक फ्लेवर ट्राई करने वाले हैं, तो अगले मैं इसे बताता हूँ कि अपना कौन सा फ्लेवर ट्राई करने वाले। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा फ्लेवर कौन सा है। तो दूसरा फ्लेवर है हमारा गोल्ड टर्किश, नाम बड़ा ही अजीब है, गोल्ड टर्किश। टर्की से आया है क्या पता नहीं, पर नाम तो है गोल्ड टर्किश। देखते हैं ये कैसा है। सबके साथ जितने लिक्विड अवेलेबल होंगे वहां पर मैं सबका रिव्यू स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इस वीडियो में हमसे 2 रिव्यू करने वाले, इससे पहले वाटरमेलन रैंचर का हमने कर दिया है, बताया आपको 80% रिकमेंडेशन है फिलहाल। तो देखते हैं ये फ्लेवर कैसा है गोल्ड टर्किश। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए सील लगी हुई है, सील को ओपन कर लेते हैं। बहुत टाइट सील लगी हुई है, तो ठीक है इसको ओपन करने के लिए एक बार नीचे पुश करके आप ओपन सिंपली निकल जाएगा। तो देखते हैं अब ये जो है इसके अंदर जाने वाला है मॉड के अंदर, इसके टैंक के अंदर मैं फिल करने वाला हूँ इसको। ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि इसे वीडियो के लिए है, तो आप समझ लीजिए थोड़ा। देखिए इतना काफी होगा, तो अभी इसमें फिर से कर देता हूँ, इसको ट्राई करके बताऊंगा कि आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा है या ओके ओके टाइप है। तो देखते हैं ऐसा है, इसका हो गया है। अभी अपना मॉड जो 76 बोर्ड के चालू कर देते हैं। 35 वॉट पे सेट है पहले से, स्टेनलेस स्टील पे
डिटेल पे है, स्टेनलेस स्टील पे मैं कर देता हूँ क्योंकि स्टेनलेस स्टील की ऑयल हमारी इसे जरूरी है। इसका जो टेम्परेचर है आप अपने हिसाब से कोई भी इसका यूज कर सकते हो, टेम्परेचर कम रखिएगा, ज्यादा हीटर की प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको मोड में। तो मैं प्रीफर करता हूँ 150-160 का राउंड, 150 इज फाइन, 150 का वो देखिए ट्राई करते हैं। तो ये जरूर ये अपना एयर फ्लो पूरा ओपन किया है, जब मैंने एयर फ्लो ओपन नहीं किया था पहले बाहर फूकेगा, क्योंकि क्या होता है कि लिक्विड जब डालते हो तो लिक्विड थोड़ा अंदर पहुंचा तो आपको स्पिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, या तो आपको जो है पॉपिंग करवा आएंगे। तो देखते कैसा फ्लेवर है इसका, काफी अजीब फ्लेवर है, पॉपकॉर्न जैसा लग रहा है एक्चुअल में। जैसा नाम है इसका गोल्ड टर्किश, फ्लेवर भी उसी टाइप का है, थोड़ा इंडियन टेस्ट नहीं देता है पर फ्लेवर इतना खराब नहीं है मैं बोल सकता हूं। थोड़ी बहुत मैं आपको ये बोल सकता हूँ कौन का ऐसा फ्लेवर है, तो इसलिए शायद ये पॉपकॉर्न जैसा थोड़ा फ्लेवर कर रहा है, हॉट है थोड़ा, मतलब आपको इसका ठंडा कुछ नहीं मिलेगा, ठंडा कुछ नहीं है, जैसा वाटरमेलन जैसा थोड़ा मतलब आपको मिठास थी उसमें, टैंगी है इसका। वैसे इसमें पॉपकॉर्न जैसा आप खाते हो तो बाद में जो फ्लेवर आता है पॉपकॉर्न का उसी टाइप का, सिमिलरली आपको उसी टाइप का कुछ फ्लेवर मिलने वाला है इसमें। राइट, ये पॉपकॉर्न जैसा ही फ्लेवर है। पर्सनली मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट किसी किसी को फ्लेवर चेंजिंग चाहिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये फ्लेवर। और इसमें सब कुछ है, मिठास थोड़ी बहुत है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं रिकमेंड तो मेरी तरफ से जिनको इंडियन टेस्ट है वो प्लीज ना खरीदे, ऐसा मैं बोलूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा इसको मैं। वाटर लाइन से एक अच्छा फ्लेवर था जो हमने इसके पहले रिव्यू किए थे। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसके साथ साथ हम और भी रिव्यूज लाएंगे, सब चीजों के रिव्यूज लाएंगे, तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक शेयर करके ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वॉचिंग, छोटे रिव्यूज थे तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, तो इतना काफी है, फिर एक बार आपके साथ वेब करके देखता हूँ। अगर आप सिगरेट पीता होंगे तो आपके लिए वेपिंग बहुत अच्छी चीज है, इसका टेस्ट बिल्कुल पॉपकॉर्न है, तो आपकी इच्छा है इसको खरीदना करते, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको, इसके मैं रिकमेंड, अगर मेरे रिकमेंडेशन जाएंगे तो 40% मैं इसको रिकमेंड करूंगा 100 में से, बाकी आपकी चॉइस है, आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा। थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।